जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कैसे हो बस? आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। ओ माय गॉड, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए द लवर्स वाली है। वो आपको अनकंडीशनल लव मतलब करते हैं, वो अब अनकंडीशनल लव में कि मतलब सिचुएशन में आ चुके हैं। आप उन्हें जिस स्थिति में आप उन्हें जितना प्यार करते हो, वो भी आपको इतना प्यार करने लगे हैं, लेकिन समस्या यहाँ है कि वो दिखा नहीं सकते। उन्हें इस कनेक्शन का की सच्चाई मतलब पता चलने लगी है कि आप कुछ विशेष कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग, बट स्ट्रेंथ नहीं थी। अब स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आपकी तरफ आ रहे हैं। माता रानी कि प्रोटेक्शन है आप लोगों के इस कनेक्शन को। चाहे कितने लोग भी आपके लिए ब्लैक मैजिक करें, आपको बांध के रखें, निश्चित ही आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और उसने आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने नहीं दिया है और उसने अपने ब्लैक मैजिक से आपके पार्टनर को बांध के रखा है। आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी फिजिकली भी आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स है उनके अंदर। देखो, ओ माय गॉड, देखो आज की जो भी आज का कार्ड है ना, और सारा कार्ड उसी तरह का, इतना ज़्यादा इमोशनल है आपका बंदा, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर के बंदा, काफ़ी इमोशंस छलक के बाहर आ रहे हैं। और स्ट्रेंथ नहीं थी बट स्ट्रेंथ इकट्ठा करके वो बंदा आपके पास आ रहा है। चॉइसेस हैं उसके पास, प्लानिंग कर रहा है, कभी कहीं ट्रैवल कर रहा होगा आपका पार्टनर, बहुत लोगों का पार्टनर, या फिर ट्रैवलिंग का प्लान कर रहा है। हो सकता है आप लोगों में ट्रैवल मोमेंट आया हो पास्ट में कभी, या फिर कुछ लोगों के रिसेंट ही आया होगा, तो उससे वो ओवरकम करके वो ना बाहर निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ ये कप लेकर के आना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जो आप दोनों के बीच में जो होना नहीं चाहिए था, और काफ़ी गोस्टिक हो सकता है पर्सन आपका, आप दोनों में ईगो क्लैशेस हुए हैं और बावजूद इसके वो बंदा आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ओ माय गॉड, न्यू बिगिनिंग के इतने सारे कार्ड्स हैं, आपको साइंस मिल रहे होंगे गाइस, बहुत जगह कहीं ना कहीं बिगिनिंग लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। कहीं भी रास्ते में आप चल रहे हो ना, तो आपको बिगिनिंग लिखा हुआ, न्यू बिगिनिंग लिखा हुआ दिख रहा होगा। कुछ भी ऐसा शादियों के वीडियोज़ सामने आ रहे होंगे, सिंदूर लगाते हुए ये भी वीडियोस आपके सामने आ रहे होंगे। प्लान कर रहा है आपका बंदा, वेट कर रहा है, इंतज़ार इंतज़ार एंड इंतज़ार, आपका इंतज़ार कर रहा है। चॉइसेस हैं उनके पास, दो सिचुएशंस हैं उनके पास, बावजूद इसके वो बंदा आपके पास आने की सोच रहा है और स्टैंड लेना चाहता है आपके लिए। बट और वो भी सोच रहा है कि कहीं आपके तरफ वो आए तो उनसे झगड़ा ना हो जाए आपका, बावजूद इसके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। पास्ट में नहीं किया उन्होंने, कुछ गिफ्ट्स भी दे सकते हैं आपको मनाने के लिए, क्योंकि आप उन्हें बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। पास्ट में उन्हें दिखाई नहीं दिए थे खूबसूरत, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो आपसे शादी करने के इच्छुक हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे मिलाना चाहते हैं, या फिर यूँ कहें कि कुछ लोग जो जिनके पार्टनर नहीं आ रहे थे आपके पास, तो उनकी थर्ड पार्टी ने उन्हें रोका हुआ था बच्चों का हवाला दे करके, या तो वाइफ होंगी या फिर किसी थर्ड पार्टी ने जानबूझ के झूठ कह के ना अपने बच्चे को उनका बच्चा बताया होगा और उन्हें फंसा के अपने तरफ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो उनको फंसा के अपने तरफ रखा होगा उस थर्ड पार्टी ने, और आपका पार्टनर वहाँ से उस बच्चे की वजह से निकल नहीं पा रहा होगा, बावजूद इसके आपकी लाइफ में सन आने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं, इन्जॉयमेंट आने वाला है। आपके बंदा को मैंने आपके बंदे को बांधा हुआ है लोगों ने, कुछ स्पेल वर्क्स कुछ वजह से, मतलब पूरी तरह से आपके आप लोग सेम वर्क प्लेस पे हो सकते हो, एक जगह जॉब करते हो आप दोनों, आप लोग टीचर हो सकते हो, आप लोग ऑफिस में एक साथ जॉब कर सकते हो, एक साथ पढ़ाई कर सकते हो, कुछ भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे एक डोमिनेटिंग महिला है जिसने आपके पर्सन को बांध के रखा है, अपने कब्जे में करके रखा है। ओके, बावजूद इसके आपको पार्टनर आपको कमिटमेंट देगा, उस महिला को जूते मारेगा, लात मार के वहाँ से निकलेगा और आपको कमिटमेंट देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि फ़िलहाल वो बहुत रिग्रेट में है आपके साथ, उसने जो भी किया है ना उसके वजह से रिग्रेट में है। क्वीन ऑफ कप्स देख रहा है आपको और आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहा है, इमोशंस हो रहा है, लेकिन
कुछ लोग के पार्टनर तो जब इस सभी स्थितियों से सोचते सोचते ये हो जाते हैं ना, तो घबरा जाते हैं, पास्ट की गलतियों को याद कर घबरा जाते हैं। देखो पास्ट का ही याद कर रहा है ये, आपके जो फोटोज़ वीडियोज़ हैं उनको काफ़ी देखता जा रहा है और काफ़ी याद कर रहा है आपको। रिश्ते का डेथ करेगा वो, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते का डेथ करेगा। अभी जिनके रिश्ते का फ़िलहाल अभी झगड़े हुए हैं ना, तो उन लोगों के तो जर्नी अगर जिनकी स्टार्ट हुई है तो उनको समय लगेगा थोड़ा। रिश्ते का डेथ करेगा वो, बर्डन में है उस रिश्ते को लेकर के, वहाँ फंसा हुआ है बंदा, बिल्कुल फंसा हुआ है और इसके वजह से वो बर्डन में है। वहाँ से निकलेगा वो, निकल के आपके साथ शादी करेगा। बिल्कुल सोच रहा है वो शादी के बारे में, कुछ और सोच ही नहीं रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सही समय का इंतज़ार कर रहा है। आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा डियर, बिल्कुल आएगा, जल्दी ही आएगा। और आपके लिए काफ़ी सोच रहा है आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। पास की बात याद करके रिग्रेट कर रहा है, घोस्टिंग की है ना उसने, काफ़ी रिग्रेट कर रहा है, दुखी है। हो सकता है उसे फाइनेंशियली कुछ, बहुत अमीर हो सकता है बट फिलहाल फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हुई है, या फिर थर्ड पार्टी ने उसे भयंकर गच्चा दिया है। वो अपनी बातें छुपाता है आपसे, इमोशंस बताता नहीं है। उसने वो स्टेप लेना चाहता है लेकिन कुछ वजह से भी फ़िलहाल अभी शांत है। वो आएगा आपकी तरफ, क्योंकि दो सिचुएशंस हैं, जगलिंग कर रहे की एनर्जी है, दो विचारों में जगलिंग की एनर्जी है, बावजूद इसके वो आपके पास चैरिट बन के स्पीड में आएगा। दो सिचुएशंस तो है ना, यहाँ जगल कर रहा है दो सिचुएशन में, दो सिचुएशन रिवर्स आया, उनसे बहुत जल्दी निकलेगा वो, दो सिचुएशन से बाहर निकलेगा और विक्ट्री आपके रिश्ते पर विक्ट्री होगी बिल्कुल, क्योंकि वो कम्युनिकेशन चाहता है। कॉल मैसेजेज आएंगे बहुत लोगों को, बिल्कुल आएंगे कॉल मैसेजेज आएंगे, आपके साथ विक्ट्री होगी, शादी होगी। बस आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ है वो उस ये भी देख रहा है। ये महिला जो है ना थर्ड पार्टी, बहुत गंदी क्रियाओं में लिप्त है, ब्लैक एनर्जीज में लिप्त है आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए। बावजूद इसके आपका ट्विन फ्लेम रिश्ता है, आप ट्विन्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता है। डिवाइन का इसके ऊपर प्रोटेक्शन होता है, किसी की औकात नहीं है कि मतलब इस डिवाइन के रिश्ते को तोड़ सके। हाँ कुछ दिन आपकी जगह वो ले सकती हैं, वो कॉपी कैट्स होती हैं, कॉपी कैट्स कुछ दिन आपकी जगह ले सकती है, लेकिन माता रानी की कृपा आपके इस कनेक्शन पे है, भोलेनाथ की कृपा इस कनेक्शन पे है। काफ़ी कुछ छुपा हो सकता है आपके रिश्ते में, काफ़ी लोग छुपे हो सकते हैं और इस कनेक्शन को तोड़ने में काफ़ी लोग इन्वॉल्व है। देखो झगड़े लड़ाई दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ एक व्यक्ति झगड़ रहा है, झगड़े लड़ाई हो सकते हैं। बावजूद इसके आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा और विशेष सारी फुलफिल करेगा, जितने सपने आपने देखे थे, आपकी देखभाल करेगा। एम्बरर, कुछ लोग के लाइफ में आपसे एज में बहुत बड़े व्यक्ति आ सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर आपका पार्टनर आपके लिए सही नहीं है तो डिवाइन आपको उनको आपकी तरफ नहीं आए देंगे, न्यू पर्सन आएंगे आपकी तरफ और जो आपको क्वीन समझते हैं, बिल्कुल क्वीन एंड एम्परर, तो क्वीन समझते हैं वो व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे और आपके सारे विश को फुलफिल करेंगे बिल्कुल। ओके फिलहाल इतना ही, देखते हैं आपका पार्टनर आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है, लव मैसेज।